ट्रैक्टरों की अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारे ब्लॉग supertractors.blogspot.in पर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड की गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज। और आज मैं रिव्यू करूंगा सोनाली का DI 750 RRX सिकंदर सीरीज का। तो क्विकली बात कर लेते हैं हम जल्दी से जल्दी। सामने के टायर है 750/16 के, रिम का साइज है वो 750 रहेगा, सॉरी 16 का रहेगा, और टायर का वो 750 का रहेगा। और बैक टायर के MRF के टायर हैं 16/9/28 के, 28 रिम साइज रहेगा और 16/9 टायर का साइज रहेगा। सिकंदर सीरीज में काफ़ी बदलाव किए गए हैं 750 के साथ, जो बेहतर रिजल्ट के साथ किसानों को किफ़ायती रूप से मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें डायमेंशन की, तो ट्रैक्टर का ओवरऑल वेट जो है 2430 केजी का है, ये भी अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम वेट है। और सामने से बात कर लें तो हेडलाइट है, सिंपल हेडलाइट है जो 35 में भी मिलेगी, 42 में भी मिलेगी, सेम हेडलाइट है, 60 में भी यही मिलती है। फिर लंबा साइलेंसर मिलता है आपको, यहाँ से देख ही सकते हो आप ट्रैक्टर में। इसके बाद यहाँ पे क्रोम फिनिश मिलेगी आपको, सिल्वर क्रोम की फिनिश जो काफ़ी अच्छी लगती है। जाली लगी है ताकि धूल मिट्टी अंदर ना घुसे, डस्ट वगैरह अंदर ना जा पाए। इधर से ये सोनालिका की हेडलाइट है ना, हेडलाइन है सोनालिका, ये कुछ फिनिशिंग दी है इन्होंने। ये सोनालिका DI 750 है, ये सिकंदर सीरीज जो नई लॉन्च हुई है अभी, स्वॉट के साथ इसका ये किया है इन्होंने, चित्र दिया है। और HDM ट्रैक्टर इसे कहा गया है, HDM यानी हैवी ड्यूटी माइलेज, हैवी ड्यूटी भी है और माइलेज प्लस भी है, कम तेल में ज़्यादा ताकत, इसको हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं। यहाँ छोटी मोटी क्रोम की फिनिश दी गई है, ये बड़े फिल्टर दिए गए हैं यहाँ पे, ऑयल फिल्टर, बड़े फिल्टर दिए गए हैं, ऑयल फिल्टर और एक लिफ्ट फिल्टर जो अपन उठाते हैं कल्टीवेटर, जिससे उसको हाइड्रोलिक फिल्टर उसके लिए। तो बोनट को खोल लेता हूँ, बोनट को खोलने के लिए चाबी चाहिए, बिना चाबी के तो बोनट खुलेगा नहीं इसका, जॉनडियर जैसे। बोनट को खोलने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा आपको सोनाली का DI 750 RRX का। सामने की बात करें तो आपको सेफ बैटरी स्लॉट मिलेगा और हैवी ड्यूटी आपको यहाँ पे वेट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा वेट दिया गया है ताकि बैलेंस जो है ट्रैक्टर का बना रहे, सेफली आप इसको रोड पे चला सकें, ट्रॉली के साथ खेत में चला सकें, बड़े बड़े इम्प्लीमेंट के साथ। सामने दी गई आपको 75 AH की बैटरी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे रेजिएटर की, तो जो पहले सोनालिका में रेजिएटर आता था 750 में, वो 9 लीटर का था, अब जो सिकंदर में बदलाव किया वो 11 लीटर का रेजिएटर दे दिया है इन्होंने, ताकि ट्रैक्टर जल्दी गर्म ना हो, ज़्यादा पानी इसमें आए और ट्रैक्टर ज़्यादा लंबे समय तक काम कर सके और ट्रैक्टर गर्म ना हो जल्दी। फिर इसके बाद बात आती है एयर क्लीनर की, तो ड्राई एयर क्लीनर है सूखा, इसको आप हवा के प्रेशर से साफ करवा सकते हो एयर क्लीनर। और सबसे अच्छी चीज़ इसमें दी गई है क्लोगिंग सेंसर भी दिया है इसमें कंपनी ने। क्लोगिंग सेंसर का क्या काम है दोस्तों, पहले हम ये समझ लें, अगर आपका एयर क्लीनर अगर जाम हो जाता है या इसमें ज़्यादा धूल मिट्टी और डस्ट जमा हो जाती है, तो क्लोगिंग सेंसर जो दिया है इसमें बीप बीप की आवाज़ आएगी, जिससे किसान को पता चल जाएगा कि आपका एयर क्लीनर जाम हो चुका है, तो इसको आप साफ़ करवा सकते हो, जिससे ट्रैक्टर कम डीजल खाएगा और इस पर लोड भी नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी सोनालिका ने दी है क्लोगिंग सेंसर के ज़रिए। और अगर ऊपर बात करें तो आपको 11 लीटर का तो रेजिएटर मिलेगा ही, वाटर कूल्ड इंजन मिलेगा जिसमें आप कूलेंट वाटर का यूज़ कर सकते हो। इधर आपको पोल्यूशन के लिए एक चीज़ मिलेगी सोनालिका की तरफ से, ये जो धुआँ है इसको लगाने से क्या है कि जब ट्रैक्टर पुराना हो जाएगा या ज़्यादा लोड लेगा तो 75% तक ये काले धुएँ को बनने से ट्रैक्टर में रोकेगा, तो ये पोल्यूशन के लिए लगाई गई है, इससे पोल्यूशन कम होगा और इंजन पे लोड भी नहीं पड़ेगा, इंजन साफ हवा ले पाएगा इसके ज़रिए, जिससे कम माइलेज में ज़्यादा काम हो पाएगा। यहाँ से ये दूषित गैस निकाल के साइलेंसर के जरिए बाहर निकाल देगा, है ना। इधर बात कर ले फैन की, तो पहले सोनाली का 750 में की पंखी में 5 आते थे,
अब इसकी पंखी में फैन में 7 स्लॉट आने लगे, जिससे ट्रैक्टर को ज़्यादा हवा मिलती है, इंजन जल्दी गर्म नहीं हो पाता, जिससे आप बेहतर काम कर सकते हो, ज़्यादा देर तक काम कर सकते हो। इधर अगर आके बात करें इंजन की, तो 4 सिलेंडर डीजल इंजन 55 HP का आपको मिलेगा, हॉर्स पावर 55 HP है, 750 DI सिकंदर RX ट्रिपल RX की सॉरी। और क्यूबिक कैपेसिटी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 3707 CC की है, 3707 CC की क्यूबिक कैपेसिटी आपको इसके इंजन में मिलेगी, जो कि अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम सोनालिका देता है। मतलब ज़्यादा ताकत, ज़्यादा काम, ज़्यादा पैसा। 3707 CC की क्यूबिक कैपेसिटी। यहाँ पे फिर वो नॉर्मल है, डीजल फिल्टर दिए, पानी वगैरह आ जाए तो ये 2 डीजल फिल्टर दिए गए हैं, यहाँ से डीजल साफ़ होकर चला जाएगा। ये पंप यहाँ पे दिया है लेफ़्ट साइड में, बाकी ट्रैक्टरों में क्या होता है राइट साइड में दिया होता है, काफ़ी ट्रैक्टरों में यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया है। 4 सिलेंडर डीजल इंजन 55 HP का 3707 CC की पावर के साथ। और बात करें तो थोड़ा बहुत चेंज किया है, ये धूल मिट्टी सीधी ना आए इसके लिए ये प्रोटेक्शन प्लेट भी दे दी गई है। यहाँ पे टूल बॉक्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, इसका जो स्पेस है वो 4 से 5 लीटर का है, 4 लीटर का मतलब किलो, तो आप इसमें 10 किलो भी डाल सकते हो तो टूटेगा नहीं, एक आकलन किया जाता है लीटर से, तो 4 या 5 लीटर का बड़ा आपको मिलेगा। ये पावर स्टेयरिंग का तेल यहाँ पे, ऑयल मजबूत डब्बी में दिया ही है, मजबूत इसमें स्लॉट में देख सकते हो आप। तो ये तो बोनेट खोल के हो गई बात दोस्तों, अब बोनेट बंद करके अब मैं चढ़ता हूँ ऊपर सीट के ऊपर, कैबिन स्पेस देखते हैं कितना दिया है इसमें। तो यहाँ पे फुट रैक, बहुत अच्छी फुट रैक दी है, मजबूत फुट रैक दी है, और लार्ज केबिन स्पेस आपको दिया गया, जिससे आप आराम से ट्रैक्टर चला सकते हो बिना थके। साथ में कंफर्टेबल सीट दी गई है, जिससे किसान या जो ग्राहक हैं चलाएंगे ट्रैक्टर को, जो जल्दी थकेंगे नहीं, ज़्यादा काम होगा, भरोसेमंद काम होगा। अब मैं आ गया हूँ स्टेयरिंग पे, तो स्टेयरिंग में आपको JCB में जो मिलता है घुमाने के लिए वो मिल जाएगा। Euro 60 में भी यही टेक्नोलॉजी दी है इन्होंने, सॉरी यही इसी का उपकरण का यूज़ किया है। बहुत छोटा स्टेयरिंग है इसका, कार के स्टेयरिंग से थोड़ा बड़ा होगा लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा स्टेयरिंग है। इधर बात करूँ फ्यूल टैंक की, तो 65 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम। इस श्रेणी में सिर्फ महिंद्रा अर्जुन 555 का ही 65 लीटर का फ्यूल टैंक है, 65 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिलेगा आपको। यहाँ बात कर लें नॉर्मल डायमेंशन की, तो ये है हैंड एक्सीलेटर, ये कुछ लाइटिंग कंट्रोल दिए हैं, इंडिकेटर कंट्रोल दिए हैं। तो थोड़ा नीचे आओगे तो कार चार्जर दिया आपको, कार चार्जर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आदत सी हो गई है, यहाँ पे कार चार्जर लगाओगे तो चार्ज जाएगा, ट्रैक्टर चार्जर भी इसको बोल सकते हैं। फिर बात करोगे तो आपको ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक मिलेंगी इसमें, तेल में डूबी हुई ब्रेक्स। तो ड्यूअल क्लच मिलेगी आपको, ये फर्स्ट और ये सेकंड ड्यूअल क्लच आपको मिलेगी, बहुत ही स्मूथ है इसकी क्लच, और SH टेक्नोलॉजी से यूज किए गए आपको गियर मिलेंगे। पहले सिंक्रोमिस्ट गियर आते थे, अब SH MH टेक्नोलॉजी के गियर आते हैं, इसका मतलब तो मुझे पता नहीं है दोस्तों, फिर भी इसमें SH और MH मैंने पढ़ा था, तो वहाँ पे ये गियर यूज़ किए गए हैं। लेकिन अगर मैं गियरों को यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव बताता हूँ आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, थोड़े टफ हैं ये महिंद्रा के जो गियर थे, मुझे काफ़ी स्मूथ लगे थे। साइड शिफ्ट गियर दिए हैं इसमें, तो साइड शिफ्ट गियर में क्या होता है, कई बार बीच में गियर लगाने पे दिक्कत सी होती है, कई बार खेत में जुताई करते हैं, कल्टीवेटर चलाते हैं, कुछ भी रोड में चलाते हैं, साइड शिफ्ट में क्या कार जैसा आपको फील आएगा। फिर आपको सिंपल लो हाई का गियर मिलेगा, लो हाई कोई मीडियम गियर नहीं मिलेगा, लो हाई और न्यूटन का। हैंड ब्रेक आपको सोनालिका में यहाँ पर मिलेगी साइड में, लीवर दबा के रिलीज हो जाएगी और लग जाएगी। आप देख पा रहे हो कि PTO के गियर में सबसे पहले लिखा है लो PTO, फिर न्यूट्रन, फिर GR PTO, मतलब डायरेक्ट PTO, ड्यूअल PTO या रिवर्स PTO है ना पीछे की तरफ, तो ऐसा मल्टी स्पीड PTO दिया गया। इधर की बात करें तो आपको हाइड्रोलिक लीवर जो है, काफ़ी मजबूत हाइड्रोलिक लीवर और स्टाइलिश हाइड्रोलिक लीवर दिए गए हैं, कम्फर्टेबल लिबिलिटी के साथ आपको इसमें हाइड्रोलिक लीवर दिए गए हैं, कम्फर्टेबल लिबिलिटी के साथ आरामदायक हाइड्रोलिक लीवर। यहाँ से बात करें तो ट्रॉली उठाने के लिए आपको
लीवर दिया गया है, ये हाइड्रोलिक लीवर, हाइड्रोलिक प्रेशर लीवर। ये फुट एक्सीलेटर इस तरफ दिया है। ओवरऑल केबिन स्पेस की बात करें तो बहुत लार्ज है केबिन स्पेस, और आरामदायक तरीके से आप इसको चला सकते हो। पहले की तुलना में केबिन स्पेस भी बढ़ा दिया है इसमें, सोनालिका DI 750 RX में। और इधर बात करें तो डिजिटल मीटर दिए गए हैं, काफ़ी स्टाइलिश डिजिटल मीटर दिए गए हैं 2500 की RPM के साथ। ये कुछ फ्यूल इंडिकेशन वगैरह है यहाँ पे, है ना, ये बैटरी के लिए भी है यहाँ पे। नीचे के डायमेंशन की बात कर लूँ तो नीचे से कुछ ऐसा दिखता है ट्रक का। ये ब्रेक्स के नीचे का हिस्सा है, यहाँ पीछे की और साइड की तो ब्रेक इंडिकेशन और इंडिकेटर स्टाइलिश है काफ़ी इंडिकेटर्स। यहाँ पे DC का लोगो दिया है, DC मतलब ड्यूअल क्लच मिलेगी आपको सिल्वर क्रोम फिनिश के साथ। पीछे बैक लाइट दी है सिंपल, इधर आए तो आपको डबल लीवर मिलेंगे ट्रॉली उठाने के लिए, प्लाउ चलाने के लिए, बड़े उपकरण चलाने के लिए। पीछे का डायमेंशन तो आप देख ही पा रहे हो कैमरे पे। लिफ्ट काफ़ी मजबूत दी गई है, डावर पट्टी 9 स्लॉट में हिच मिलेगी आपको, जो हिच के स्लॉट है वो 9 है। और ये टॉप लिंक, स्मॉल टॉप लिंक, और ड्यूअल PTO मिलेगा आपको 540, रेटेड RPM 2000। ड्यूअल PTO में रिवर्स PTO भी इंक्लूडेड है और मल्टी स्पीड PTO भी इंक्लूडेड है। दोस्तों ये बात तो हो गई सोनालिका DI 750 नए वाले मॉडल सिकंदर की, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नहीं दी है सोनालिका ने, और बहुत बेहतर इम्प्रूवमेंट किया है इस ट्रैक्टर के साथ, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। सबसे अच्छा फीचर मुझे इसका लगा क्लोगिंग सेंसर, जिससे एयर क्लीनर चौक होने का जो खतरा है वो नहीं रहेगा, और किसान भाई हमारे जल्दी साफ करवा सकते हैं। बड़ा साइलेंसर भी दिया है इसमें। तो ओवरऑल मैं इसका इंजन आपको बता देता हूँ क्यूबिकली, 55 HP का इंजन है, 3707 cc का क्यूबिक कैपेसिटी के साथ, और 4-stroke डीजल इंजन मिलेगा 4 सिलेंडर का। अब बात कर ले सोनालिका DI 750 RX के स्टार्टिंग प्राइस, तो स्टार्टिंग प्राइस इसका 7,40,000 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस इसका शुरुआत है, और फिर डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो, किस जोन में रहते हो, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 10,000-20,000-50,000 रुपये एरिया जोन के हिसाब से प्राइस होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये रिव्यू, ये था हमारा सोनालिका DI 750 RRR सिकंदर सीरीज का रिव्यू। कुछ जानकारी छूट गई होगी तो माफ़ी चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं तो वो आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा अगर कुछ जानकारी छूट गई तो। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जल्दी से जल्दी 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दें। थैंक यू सो मच।